हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ रश्मिकांत रावत। जो आज हम आपको पढ़ाएंगे अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ाएंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और हाल ही में हमने टेलीग्राम पर भी अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें हम फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फूड साइंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। उस पर हम मॉक टेस्ट भी कराते हैं, तो आप उस लिंक से डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे रखेंगे, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो ये जो वीडियो हमने आज बनाएंगे अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड जो बता रहे हैं हम यहाँ, हाल में हमने एक वीडियो डाल रखी अपने चैनल पे, लेकिन हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो ट्रिक बना रहे हैं कि अमीनो एसिड्स को कैसे याद किया जाए, क्योंकि 21 अमीनो एसिड्स हैं, उनको कैसे याद किया जाएगा, तो उसके बेसिस पे वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में अभी SIR GRF का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो नहीं आए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम के डेट आ चुकी है और उसके फॉर्म भी आ चुके हैं, तो उसके लिए अब 2 महीने रह गए हैं, तो उनको ट्रिक बाय आपको याद कर सकते हैं कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और किसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? अमीनो एसिड एंड कार्बोनिक ग्रुप्स के कंपाउंड्स होते हैं अमीनो एसिड्स। और तो अमीनो एसिड्स जो डिवाइडेड है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, नॉन पोलर अमीनो एसिड, पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड, और नेगेटिव चार्ज आर ग्रुप अमीनो एसिड एंड पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स। अब इनको कैसे याद किया जाए, क्योंकि जब हमसे MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन विच व्हाट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉन पोलर चार्ज अमीनो एसिड, या निम्नलिखित में से कौन सा नॉन पोलर चार्ज अमीनो एसिड है, तो उसके लिए हमें वहाँ ट्रिक की जरूरत होगी अभी, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उसको याद कर सकें, रट सकें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसीलिए हम ट्रिक बताते हैं कि आप उसे कैसे याद करेंगे। तो आप देखिए, मुझे मैथ्यू ने इसका हमने ट्रिक बनाया है, मुझे फिनोलिन फिर आइसोलिसिन इस प्रोलिन पर वेलिन विश्वास आया था। जो हमने ये ट्रिक बनाई है, मुझे फिर इस पर विश्वास आया था, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स को याद करने की ट्रिक है, मुझे फिर इस पर विश्वास आया था, मुझे मैथ्योनिन फिनोलिन फिर आइसोल्यूशन इस प्रोलिन पर वेलिन विश्वास एलिन आया ट्रिप्टोफैन था, मुझे फिर इस पर विश्वास आया था। आप इस ट्रिक से आप नॉन पोलर अमीनो एसिड्स को याद कर सकते हैं, और कोई भी कंप्लीट या मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन सा है इन 4 ऑप्शनों में से, तो आप उस इस ट्रिक के माध्यम से याद करके आप उसमें टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट, पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड। पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड होते हैं ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पार्टिन। ग्लाइसिन, अभी मोदी जी ने हाल फिलहाल में GST लगाई है, तो उसी बेस पर हमने ये ट्रिक बनाई है, ग्लाइसिन GST। सिस्टीन से सिर्फ टायरोसिन तुझ पर, एस्पार्टिन से आएगी। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि उसमें एलिन से आया था, आप यहां ऐसे याद कर सकते हैं, यहां 2 A है, तो A और आका डंडा मिला के AA मतलब एलिन हो गया, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ IB जो यहाँ हमने टर्म यूज किया है फॉर रिमेंबर दिस पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड, तो आप यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर एस्पार्टिन में पर जो आ रहा है और यहाँ तुझ पर आ रहा है, तो मतलब यहाँ जो पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड में जो हम याद करेंगे, तो यहाँ जो आईडी आएगा उसमें एस्पार्टिन आएगा, जो अमीनो एसिड का नाम यहाँ आएगा वो एस्पार्टिन आएगा, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जी से ग्लाइसिन, एस से सेरीन, टी से थ्रियोनिन, GST सिर्फ मतलब सिस्टीन, तुझ पर टायरोसिन और IB एस्पार्टिन। नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड्स, आपने नाग देवता को तो हर जगह देखता हो देखा होगा, तो उसी की तरह हमने बनाई है NAG, इसको एन के में लिखे तो ना ने
ना से मतलब ना से यहाँ नेगेटिव, ए से एस्पार्टिक एंड जी से ग्लूटामिक एसिड। जो यहाँ ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड है उसको आप यहाँ याद कर सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं पॉजिटिव चार अमीनो एसिड। तो पॉजिटिव चार अमीनो एसिड को आप कैसे याद करेंगे, जब कोई भी लाइन में पहले लगेगा तो जाहिर सी बात है वो पहले ही आएगा। तो पॉजिटिव को हमने यहाँ याद किया है पॉजिटिव से प, हिस्टीन ह, ले आ, जो पहले आएगा वो समोसा पाएगा। तो पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव प, हिस्टीन ह, लाइसिन ले आ, आर्जिनिन। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं पॉजिटिव चार अमीनो एसिड। अब ये बात हो गई हमने इसको याद कराने की ट्रिक बता दी, अभी आपको हम बताएंगे और भी कुछ जो कंपनी के मामले में अमीनो एसिड से रिलेटेड पूछा जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ आपको बताएंगे। अभी कंपनी के मामले एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में पूछा गया था कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड ये थ्री अमीनो एसिड होते हैं जिनको हम याद करते हैं। पीटी तो आपने की होगी, पीटीटी, आप इसको बस एक टी एक्स्ट्रा बोलना है, पीटीटी, पीटीटी, आपने पीटी तो की होगी। पी मतलब फिनाइलिन, टी मतलब ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। जीआरएफ के कई सारे एग्जाम में एरोमेटिक कंपाउंड्स अमीनो एसिड के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से चार ऑप्शन दिए होते हैं, कौन सा अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। तो वहाँ फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन तीन ओनली अमीनो एसिड रहते हैं जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। तो आप ऑप्शन में बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, तीन है पीटीटी, जो आप पीटी करते हैं स्कूल में कराते होंगे वही पीटीटी है, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। आप इस तरह से याद कर सकते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। अभी बात आई अमीनो एसिड, अमीनो एसिड तो हमने बता दिया 21 अमीनो एसिड होते हैं हाल में, 21 अमीनो एसिड्स हैं। और जो अमीनो एसिड से जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड, मतलब जो 21 अमीनो एसिड्स हैं उनसे मिलकर प्रोटीन बनता है। 21 अमीनो एसिड जो है उनसे मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो जैसे ही हमने ये अमीनो एसिड की ट्रिक की वीडियो बनाई है, आगे हम प्रोटीन को याद करने की भी वीडियो बनाएंगे। और अभी तो वीडियो में बहुत कुछ बताना रह गया है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखते हैं आगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये तो बात हो गई कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो कौन किस चार्ज के होते हैं, पोलर चार्ज होता है, अनचार्ज होता है, नेगेटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, उस बेस पे ये चार टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, नेगेटिव, पॉजिटिव अमीनो एसिड। अब बात करते हैं असेंशियली, कौन से असेंशियली, कौन से जरूरतमंद है और कौन से नॉन असेंशियली है। तो उसके लिए यहाँ आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी होगी सभी स्टूडेंट से कि आपको कम से कम 21 अमीनो एसिड्स के नाम याद होने चाहिए कि कौन सा अमीनो एसिड है। अगर आपको ये याद रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव कभी कम्पिटेटिव में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि असेंशियल अमीनो एसिड निम्न में से कौन सा है, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं जब आपको पता होगा। और बाकी मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप ये याद रखेंगे कि कौन सा असेंशियली है और कौन सा नॉन असेंशियली अमीनो एसिड है। तो आप आइए देखते हैं, मैंने एक ट्रिक बनाई है नॉन असेंशियल के लिए। जब आप नॉन असेंशियली याद कर लोगे तो असेंशियल बाकी जो बचे सारे वो असेंशियल कहलाएंगे। तो हम आपको यहाँ नॉन असेंशियल के बारे में बताएंगे। आपने घर में सबने एसी तो देखा होगा, उसी ट्रिक को लेके हमने यहाँ बनाया है आर्जिनिन, एस्पार्टिक, एस्पार्टेट एंड एलिन और सिस्टीन। तो ये सब मिला के बना कितने ए आ रहे हैं, 4 ए आ रहे हैं, बाकी बचा सी, तो 4 एसी। आपको 4 एसी लाने हैं घर में लगाने के लिए। तो आर्जिनिन, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, एलिन, जितने भी ए से जो अमीनो एसिड्स होंगे वो सारे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होंगे। ऑप्शन में आएगा कभी भूल मत करना एस्पार्टिक, एस्पार्जिन और एस्पार्जिन, एलिन, जितने भी हैं सब नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब आया ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड।
आपने सिम भी यूज किया होगा 2G 3G, अब तो 4G और 5G भी आने का भी जमाना है, तो 2G यूज हो रहे हैं। भाई कौन सी सिम यूज कर रहे हैं हम? इस समय 2G सिम यूज करेंगे। यहाँ हमारे सैमसंग को याद करने के लिए हम 2G सिम यूज करेंगे, 4A 2G 4AC 2G। 2G मतलब कौन कौन से अमीनो एसिड्स? ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड ही हैं ऐसे जो अमीनो एसिड जो जी से शुरू होते हैं, ग्लूटामिक और ग्लाइसिन। अब आते हैं बात, जब ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, स्टॉप बोलती है, जब कौन सा सिग्नल होता है? रेड सिग्नल। तो STOP सेरीन टायरोसिन ऑर्थिनिन एंड प्रोलिन जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक को हम एक बार और दोबारा दोहरा दे रहे हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की आर्जिनिन, एस्पार्टिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिन, एलिन, 4AC। सी से सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, 2G। STOP स्टॉप, एस से सेरीन, टी से टायरोसिन और ऑर्निथिन एंड प्रोलिन, ये है ट्रिक जिसे आप याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।